हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा आज का व्लॉग है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जा रहे हैं एक सीक्रेट जगह पर। तो अब जो उसमें बीच में जगह आएंगी काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ शिमला, वो भी हम आपको बताएंगे। और वो जो जगह है वो काफी वैसे ही इम्पोर्टेंट है। तो अब मेरे पापा जा चुके हैं, तो गाइस हम आज से चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो गाइस ये हमारे शिमला की मेन टनल, ये हमारे साथ साथ जो हमारी ये बस स्टैंड की टनल भी है, तो इसमें हमेशा बसेस की आवाजाही चली रहती है। यहाँ पर सारे टूरिस्ट स्पॉट्स, मतलब जो सारी बसेस है वो इसी टर्मिनल से कनेक्टेड है। और ये हमारा यहाँ पर सारी बसेस का स्टैंड है जो यहाँ पर बसेस खड़ी होती है। तो गाइज ये हमारे शिमला का विक्टी टर्मिनल है, यहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। और गाइज हम अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को सस्पेंस में क्यों रखना, तो हम लोग जा रहे हैं तारा देवी मंदिर, जो शिमला का बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ दूर लोग दूर बहुत बहुत दूर दूर से अपने दर्शन करने आते हैं। तो गाइज अब आज हम आपको भी दिखाएंगे कि ये कैसा है, ये इसकी क्या कि ये कैसे बना है। समर काफी देर से आपको बताना चाह रहा है और अपने ब्लॉग में उसमें बता भी दिया इस ब्लॉग में कि हम तारा देवी मंदिर पहुंच गए हैं। और ये रही यहाँ की शॉप्स, जो फेमस शॉप्स हैं। यहाँ पर हम माता की चुनरी ले सकते हैं, माता का प्रसाद ले सकते हैं, बच्चे अपने खिलौने ले सकते हैं, पानी पीने वाली बॉटल्स ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सभी लोगों ने मास्क वेयर कर रहे हैं। शिमला में कुछ एक जगह पे बड़ी अच्छे से मास्क वेयर किए हुए हैं। देखो मंदिर में यह सब हमें देखने को मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हुआ है। तो ये रही हमारी तारा देवी की छोटी मोटी शॉप्स, और हम आगे बढ़ते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर। ये रही माता रानी की पहली सीढ़ियाँ और हम ये चढ़ने जा रहे हैं। और ऐसे आशी और आशी के पापा चले हैं आगे, सनी जा रहे हैं आगे, और हम लोग पीछे से ब्लॉग बनाते हुए चले हैं। ये जो तारा माता मंदिर है उत्तरी भारत के शक्ति पीठों में से एक है, यहाँ की अपनी ही मान्यता है। जो तारा देवी माता है हर भक्त की आने वाले की सभी की इच्छाएं पूरी करती है, जो सच्चे मन से आते हैं, सच्चे हृदय से आते हैं। तो गाइस चलिए आगे की ओर। ये फूल इतने अच्छे हमें लग रहे हैं, साथ ही साथ काफी सुंदर भी हैं। और जो श्रद्धालु हैं वो अपने जो मन्नत है वो भी यहाँ पर मांग रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर लोग आते हैं वो अपनी मन्नत से आते हैं और उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तो हमारा साथ ही साथ हमारी जो मेन एंट्री का गेट है वो भी आ चुका है, और उसके लिए और गाइस अब हम आ चुके हैं। और आप लोग इसे देख सकते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड प्रॉपर मास्क वेयरिंग का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर टू लाइंस भी होते हैं, मुझे ये नहीं पता क्यों होते। देखिए एक ये है, एक ये है। अब वो इसके पीछे मेरे पापा ने मुझे बताया कि इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी तारा देवी माता जो उनकी सवारी है वो शेर ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दो शेर बने हैं। वहाँ पर देखिए गाइस, ये देखिए इतने सुंदर फूल हैं। देखिए गाइस काफी सुंदर सुंदर फूल भी हैं। मुख्य द्वार आ चुका है सर, साथ साथ जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा गया है। और आशी को एक प्यार छोटा सा डॉगी का बच्चा भी दिख चुका है। तो हम जो हमारा जो मेन मंदिर है हम उस पर पहुँच चुके हैं। देखिए काफ़ी लोग भी वहाँ से आ रहे हैं, प्रॉपर लोग मास्क भी पहन रहे हैं। और जो वो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है ऊपर तक, वो हमारा मेन मंदिर है। और इसके लेफ्ट साइड और जो राइट साइड में ग्राउंड्स हैं, तो वो ग्राउंड्स भी में लोग खेलते हैं, अपना जो टाइम इंजॉय लोग कर लेते हैं। देखिए लोगों ने
इतनी मेहनत पाई है और अपने जो जो अपनी चुटकियाँ होती हैं। और गाइस आपको ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, जो मूर्तियाँ हैं मंदिर के आस पास भी बनी है जैसे ये माता तारा जी के प्रति हरि है लौकड़ा वीर जी, सबसे पहले इनका मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर। अब हम आपको ले चलेंगे मंदिर की ओर, तो ले चलते हैं। गाइस ये जो ये श्री वीरभद्र सिंह जी ने बनाया है तो ये मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं इसका जो उद्घाटन किया है, उसका उद्घाटन किया है हमारे श्री वीरभद्र सिंह जी ने किया है, हमारे एक्सचेंज मिनिस्टर थे। हम लोग आपको इतने अच्छा दिखा भी नहीं पाएंगे तो उसको प्लीज़ पर हम आपको यहाँ बाहर से दिखा सकते हैं, ऐसा उसका कमरा है, अंदर हमारे जो मेन भगवान है वो सारे अंदर रखे गए हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ जो ये मंदिर की बाहरी खूबसूरती है, जो ये बाहर से कैसा दिखता है और इसके साथ साथ जो ये ग्राउंड है इसकी सुंदरता बाहर से कितना सुंदर है और कितना खूबसूरत है, ये पूरा बाहरी भाग हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर अंदर जो वीडियो एंड जो फोटोज़ हैं हम नहीं खींच सकते हैं और अंदर प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो भी किया जा रहा है, कुछ मंदिर होते हैं उसमें लिखा होता है और ऐसा नहीं किया जाता है। गाइस ये देखिए ये यहाँ से सारा व्यू दिखता है, यहाँ से नीचे का कि पूरा व्यू दूर दूर के गांव तक सब कुछ दिखता है यहाँ से, तो हमारे तारा देवी मंदिर से गाइस अब हम अपना जो हम हमारी जो जर्नी है कंटिन्यू रखते हैं, अब हम आगे को साथ साथ ही चलते रहते हैं। चलिए अब हम माता रानी के साथ भैरव देवता के भी दर्शन कर लेते हैं, यहाँ पर इनकी काफ़ी बड़ी मूर्ति स्थापित है आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि इनको बटुक भैरव देवता भी कहा जाता है जैसे कि यहाँ पर लिखा है। गाइस देखिए यहाँ पर त्रिशूल भी हैं और लोगों ने दान पात्र भी हुए हैं कि लोग अगर अपने मन से दान करना चाहते कर सकते हैं, अंदर रोज इनकी पूजा होती है। ऐसे देखिए साथ साथ जो हमारा ये जो पूरा ये है ये हमारा मंदिर है, इससे आगे फेंसिंग हुई भी आगे, इससे आगे कुछ नहीं, अगर इससे आगे लोग जाना चाहते हैं तो वो हम अपने किसी और वीडियो में कवर करेंगे। और ये टॉप ऑफ द हिल है, हम अभी जहाँ पर हैं कटे हुए ये टॉप ऑफ द हिल में है, हम टॉप ऑफ द हिल। गाइस ये भी हमारे जो मंदिर है उसका बाहरी दृश्य है गाइस, और ऊपर देखिए आप ऊपर काफी ऊपर तक है जिसकी एट द टॉप है इसका, बहुत ऊपर तक इसका जो टॉप इसको कुम्मत भी कहा जाता है, सॉरी गाइस अगर मैं इस चीज को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, समर नहीं बता पाया, ये एक्चुअली मंदिर परिसर के ऊपर जो गुम्बद है ये सोने का पानी चढ़ा हुआ गुम्बद है। गाइस अगर मैं कुछ ढंग से ना बोल पाऊँ तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इग्नोर करना या फिर जो मेरे पापा है वो भी बीच में आपको बता देंगे कि वो उस चीज को क्या कहा जाता है। अरे गाइस अब हम अपना जो मेन एंट्रेंस है अब आप यहाँ देख लीजिए, ये जो वे है ये हमारा जो हमारा तारादेव मंदिर का जो वो साइड है ये वहाँ से जुड़ता है, ये वे है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इस वे से आगे और जो ये शिमला से 17 किलोमीटर आगे है जो वहाँ पर दिख रहा है ये वो शिमला है। और गाइस अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि जो वे है ये डायरेक्ट जो हमारे शनि मंदिर का मंदिर है ये वहाँ पर जाता है, तो कुछ लोग वहाँ भी जाते हैं पर आज हम तारा देवी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो आज हम बस तारा देवी को ही कवर करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि ये काफ़ी सुंदर हो रहा है, काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आए हैं क्योंकि ये क्योंकि शिमला के जो मेन स्पॉट्स हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसमें भी आता है जो तारा देवी मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी लोग आना पसंद करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और कुछ लोग बिना मन्नत से भी आते हैं बस सिर्फ दर्शन करने के लिए।
तो गाइस ये हमारा चार तारा देवी मंदिर पूरी खूबसूरती है। यहाँ पर ये फूलों के सारे बगीचे हैं, काफ़ी सारे फूल भी हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, जैसे अलग अलग, अब मैं इतना ही, मुझे नहीं पता कि कौन से फूल हैं, पर काफ़ी अलग अलग प्रकार के फूल हैं काफ़ी। और कुछ अगर कोई अलग से आएगा तो ये देखने में भी काफ़ी सुंदर कर रहे हैं, ये हमारे तारा देवी मंदिर को और आकर्षक बना रहे हैं, काफ़ी सुंदर है। और यहाँ से आप आगे भी देख सकते हैं इस तारा देवी मंदिर, जिसे आप लोगों को मैंने बताया कि टॉप ऑफ द हिल पे सब कुछ सारा नज़ारा दिखता है यहाँ से, और वो नज़ारा काफ़ी सुंदर है, वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को पसंद आता है। गाइस अब हम अपने वे पे वापस चलते हैं, हमने पूरा तारा देवी मंदिर कवर कर लिया है और हमने देख भी लिया है और आप लोगों को भी साथ साथ में दिखाया है, तो अब हम अपने घर चलते हैं। साथ साथ में जो आपकी हम जहाँ से आए थे वो भी हम आपको दिखाएंगे। ना आप जैसे वहाँ पर आके हैंड सैनिटाइजर जो हम अभी हमारे हाथ भी लग चुके होंगे, हम अपने हैंड सैनिटाइज कर लेंगे। जिद भी कर रही थी, तो आशी आपका, आपने जो मम्मा कहा वो उन्हें क्या कहा आगे से, हाँ या ना? हाँ। तो गाइस आशी की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, हम जैसे जैसे शॉप के पास जाते जा रहे हैं। तो गाइस अब हम अपनी डेस्टिनेशन यानी अब हम अपने घर के लिए जा रहे हैं और हम निकल भी चुके हैं। हमने आपको भी तारा देवी इतने बड़े मंदिर के दर्शन करा दिए और हमने खुद भी किए, साथ ही साथ हम लोगों को बहुत मजा आया और आप लोगों को भी आया होगा। तो बोलो जोर से, बोलो जय माता दी। तो अब हम वापस निकल चुके हैं और कुछ जो मेन स्टेशन या कुछ जो होंगे पॉइंट्स हम वो आपको दिखाएंगे अगर बीच में कुछ खास होगा। तो गाइस बाय।